सभी का आपके अपने चैनल आरबीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। मेले में पत्नी ने 10 रुपए का झुनझुना खरीदा, पति को दिया और बोली तुम इसे बजाओ, हम मंदिर दर्शन करके आते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचा। उन्नाव में पति को पत्नी के साथ मेला देखना पड़ा भारी। जब पत्नी मेले में पति को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गयी, अब पति पत्नी के लिए परेशान है। पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक ऐसा ही मामला आया है जिसमें पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। पति पत्नी को लेकर मेला घूमने ले जाता है, साथ में 1.5 वर्ष की पुत्री गोद में है। मेले में पत्नी ने पति के लिए 10 रुपए का झुनझुना खरीदा और देते हुए बोली तुम इसे बजाओ, हम मंदिर दर्शन करके आते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आई। पति ने थाने में तहरीर देकर गाँव के ही एक युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि जांच की जा रही है। मामला आसी वन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। थाने में तहरीर देकर युवक ने बताया है कि बीते 7 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया था, गोद में 1.5 वर्ष की पुत्री भी थी। आपको बता दें कि सावन के महीने में सुनासीर महादेव मल्लावा हरदोई में बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने के लिए गए थे। पति ने बताया कि मेले में पत्नी ने 10 रुपए का झुनझुना खरीदा और मुझे देते हुए बोली तुम इसे बजाओ, हम मंदिर में दर्शन करके आते हैं, लेकिन वे लौटकर नहीं आई। काफी देर मेले में तलाश किया लेकिन जानकारी नहीं हुई। उसने गांव के ही एक लड़के पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले से ही पत्नी का प्रेमी युवक के साथ भागने का प्रोग्राम बन गया था। थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबीएस समाचार।